नमस्कार, केबीएस 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के मैसूर से दरभंगा आ रही ट्रेन की हुई भयानक टक्कर, कई लोग घायल। हमारे राज्य के साथ बार बार अन्याय हो रहा है, हम इसके लिए लड़ना जारी रखेंगे, बोले उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक भरमगौड़ा कागे ने पार्टी पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। फर्जी आधार कार्ड के साथ सात बांग्लादेशी नागरिकों को कर्नाटक के उड़पी से किया गया गिरफ्तार। हरियाणा में 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह, नायाब सिंह सैनी 10 बजे देंगे शपथ। यूपी उपचुनाव पर बीजेपी ने बुला ली बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अमित शाह सब होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। आज 12 अक्टूबर को दशहरा त्यौहार के अवसर पर इस त्यौहार में उपयोग किए जाने वाले बन्नी पत्ता, जिसे दशहरा के अवसर पर सोना भी कहा जाता है, इसे एक दूसरे को भेंट कर दशहरा का पर्व मनाया जाता है। दशहरा के इस पर्व पर बीदर शहर के बाजारों में इस बन्नी पत्ता का दुकानें लगाई गई है, जहां से लोग इस बन्नी पत्ते को खरीद रहे हैं। बड़े छोटे पुरुष महिलाएं और बच्चे इस बन्नी पत्तों को खरीदने में लगे हैं। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। कर्नाटक के मैसूर से दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस तमिलनाडु के कावरापेट्टे स्टेशन के पास मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की आशंका है। रेलवे पुलिस के मुताबिक मौके पर बचाव कार्य जारी है। हमारे राज्य के साथ बार बार अन्याय हो रहा है, उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा हम इसके लिए लड़ना जारी रखेंगे। सदाशिवनगर में अपने आवास के पास बोलते हुए उन्होंने राज्य के लिए कर हिस्सेदारी में कमी के आरोप का जवाब देते हुए कहा कर्नाटक में जीएसटी बढ़ गया है, उन्होंने हमसे ज्यादा पैसा आंध्र प्रदेश को दिया है, हमारी कर हिस्सेदारी उससे कम है, आंध्र के हमारा कर हम अपना अधिकार बनाते हैं। वित्त मंत्री कर्नाटक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम निष्क्रिय बैठे रहेंगे। सरकार ने विज्ञापन पर आपत्ति के बारे में उन्होंने कहा हमारे पास जो जानकारी थी हमने डाल दी है, हम जिस तरह से चलते हैं उसके आधार पर देख रहे हैं, हमने अपनी भावनाओं पर विज्ञापन दिया है, हम इस पर सदन में चर्चा करेंगे, उन्हें जो करना है करने दीजिए, वे चाहते हैं, उन्होंने जवाब दिया। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायक भरमगौड़ा कागे उर्फ राजू कागे ने शुक्रवार को राज्य सरकार पर किसानों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया है और वह पिछले एक साल से इस बात को उजागर कर रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए कि राज्य में किसानों की आजीविका के लिए कोई योजना शुरू नहीं की गई, उन्होंने कृषि संबंधी मुद्दों के लिए बेंगलुरु में राज्य विधानमंडल और सचिवालय की सीट विधानसभा में अपना जीवन समाप्त करने की धमकी भी दी। किसानों के लिए कोई योजना नहीं लाई जा रही है, आपको यह समझना चाहिए, क्या मुझे आपसे झूठ बोलना चाहिए और नाटक करना चाहिए? अगर चावल और अन्य फसलें नहीं उगाई जाएंगी तो देश क्या खाएगा? क्या हमें करेंसी नोट खाना चाहिए? पहले किसानों को जीवित रहने में मदद करें। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि दुष्टों को मारना और सज्जनों की रक्षा करना दशहरा का प्रतीक है। उन्होंने आज सत्तूर मठ के दौरे के दौरान मीडिया से बात की। विजयदशमी दशहरा उत्सव का आखिरी दिन आज जम्बू सवारी का आयोजन किया जाएगा और मां चामुंडेश्वरी को फूल चढ़ाए जाएंगे। इस शुभ अवसर पर मैं देश और प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस बार अच्छी बारिश और फसल हुई है और देश के किसान खुश है। यह खुशी की बात है कि प्रदेश के सभी जलाशय भरे हुए हैं। दशहरा का प्रतीक दुष्टों का विनाश और सज्जनों की रक्षा है। भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो राज्य में अशांति फैलाने और लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहाँ पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएसटी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए, यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी
पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियान स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं समाचार। मालपे पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड के साथ भारत में अवैध रूप से रह रहे 7 बांग्लादेशी अप्रवासियों को गिरफ्तार किया है। उड़पी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरुण के ने कहा कि गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिकों में से एक जो गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ रह रहा था, उन्होंने फर्जी पासपोर्ट का उपयोग करके मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से दुबई की यात्रा करने की कोशिश की थी। हालांकि हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में ताडोबा अंधारी बाघ अभयारण्य TADR के मोरली में प्रकृति व्याख्या केंद्र का नाम दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। इसका उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने यह जानकारी दी कि रतन टाटा का बुधवार रात को मुंबई में निधन हो गया था। राज्य के वन मंत्री मुनगंटीवार ने मोरली में प्रकृति व्याख्या केंद्र और अन्य सुविधाओं के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि चंद्रपुर में टाटा के लिए एक स्मारक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद्रपुर में टाटा ट्रस्ट की ओर से स्थापित एक कैंसर अस्पताल संचालित किया जा रहा है। परियोजना के लिए टाटा ट्रस्ट ने 100 करोड़ रूपये दान किए हैं। टाटा ने बांस अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के वास्तुकार के लिए भी 3 करोड़ रूपये का भुगतान किया है। रतन टाटा ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यहां 90 गांव को गोद लिया है। राजस्थान में श्रीगंगानगर तिलक ब्रिज ट्रेन से एक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। राहत की बात रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली बुरी तरह से चकनाचूर हो गई है। वहीं ट्रेन के 3 बोगियों को भी नुकसान पहुंचा है। यह हादसा श्रीगंगानगर में एसटीएस वित्रिका के पास हुआ है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर से तिलक ब्रिज के लिए ट्रेन रात 8:15 बजे श्रीगंगानगर से रवाना हुई थी। ट्रेन को रात 9 बजे सादुल शहर पहुंचाना था। इसी दौरान एसटीएस वित्रिका की तरफ से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली पटरी के ऊपर से गुजरी और ट्रेन से टकरा गई। टक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहा व्यक्ति मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर के पास एक चप्पल और बैग भी मिला है। ट्रैक्टर पर लिखे मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर ट्रैक्टर चलाने वाले व्यक्ति के लापता होने की जानकारी मिली। हादसे के बाद ट्रेन को धीरे धीरे सादुल शहर स्टेशन तक लाया गया और श्रीगंगानगर से नया इंजन रवाना किया गया। रात 11 बजे इंजन सादुल शहर पहुंचा। इसके बाद रात करीब 12 बजे ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नायब सिंह सैनी राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सुबह 10 बजे शपथ लेंगे। ये समारोह पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा 17 अक्टूबर को पंचकुला में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 50,000 लोगों के उपस्थित रहने की संभावना है। समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार की नई कैबिनेट में अनिल विज, कृष्णलाल मिड्डा, श्रुति चौधरी, अरविंद कुमार शर्मा, विपुल गोयल, निखिल मदान को जगह मिल सकती है। समाजवादी पार्टी SP के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अपने आवास के बाहर एक वाहन पर रखी जयप्रकाश नारायण जेटली की अवक्ष प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अधिकारियों द्वारा सपा नेता को सुरक्षा कारणों से जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र JPNIC नहीं जाने देने के बाद यहां उनके आवास के बाहर सुबह से ही सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता एकत्र थे। समाजवादी नेता और आपातकाल के प्रखर आलोचक के रूप प्रख्यात दिवंगत JP सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टी के बीच टकराव का नवनीतम केंद्र बनकर उभरे हैं। यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड JDU के प्रमुख नीतीश कुमार से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से समर्थन वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने समाजवादी विचारक नारायण को श्रद्धांजलि देने से समाजवादी लोगों को रोक दिया। उन्होंने कहा कि JDU प्रमुख का राजनीतिक उदय JP आंदोलन की देन है। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर MEd एंड BEd कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली।
एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं समाचार। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच यूपी में उपचुनाव को लेकर 13 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इसके अलावा इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार इस महीने ही यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखें का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिनों में चुनाव आयोग इसी कार्यक्रम जारी कर देगा। महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ ही यूपी के उपचुनाव का भी कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। ढाका में शुक्रवार रात दुर्गा पूजा पंडाल में बम से हमला हुआ, जिसने समारोह को दशहत में डाल दिया। इस हमले का कारण एक महिला से चैन छीनने का प्रयास बताया जा रहा है, जिसके विरोध में बदमाशों ने हमला किया। घटना के दौरान चाकू से भी लोगों पर हमला किया गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 संदिग्धों को हिरासत में लेने का दावा किया है। यह घटना त्योहार के दौरान सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है और प्रशासन के सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का आश्वासन दिया है। घटना की जांच जारी है और पुलिस अन्य संभावित आरोपियों की पहचान करने के लिए प्रयासरत है। क्षेत्र में तनाव और चिंता का माहौल बना हुआ है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के मैसूर से दरभंगा आ रही ट्रेन की हुई भयानक टक्कर, कई लोग घायल। हमारे राज्य के साथ बार बार अन्याय हो रहा है, हम इसके लिए लड़ना जारी रखेंगे, बोले उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक भरमगौड़ा कागे ने पार्टी पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। फर्जी आधार कार्ड के साथ 7 बांग्लादेशी नागरिकों को कर्नाटक के उड़पी से किया गया गिरफ्तार। हरियाणा में 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह, नायाब सिंह सैनी 10 बजे देंगे शपथ। यूपी उपचुनाव पर बीजेपी ने बुला ली बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अमित शाह सब होंगे शामिल। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।